नमस्कार, कैसे आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर एक घंटे से सर्वदलीय बैठक जारी। सीएम शिंदे समेत कई मंत्री और विपक्ष के नेता मौजूद। आरक्षण को लेकर राज्य में कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, शिवसेना के सभी 54 विधायकों को नोटिस। अयोग्यता मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने 14 सितंबर को बुलाया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। एक और बड़ी खबर, 2024 से पहले ममता कैबिनेट में बड़ा फेरबदल। बाबुल सुप्रियो समेत 6 मंत्रियों के विभाग बदले गए। बाबुल सुप्रियो से पर्यटन लेकर रिन्यूएबल एनर्जी विभाग दिया गया है। और चौथी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश चुनाव पर बीजेपी का बड़ा मंथन। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर करीब 2 घंटे से बैठक जारी है। सीएम शिवराज, नरेंद्र तोमर और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल। पांचवी बड़ी खबर, चंद्रबाबू नायडू के बेटे का आंध्र सरकार पर हमला। सीएम जगन ने गलत आरोपों में जेल में डाला। नारा लोकेश ने कहा चंद्रबाबू के खून में करप्शन नहीं है। एक और बड़ी खबर, देशद्रोह कानून पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सरकार ने याचिका खारिज करने की अपील की है। सातवीं बड़ी खबर, यूपी में बारिश, बिजली गिरने से 19 लोगों की मौत। यूपी में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। राजधानी लखनऊ समेत 11 जिलों के लिए अलर्ट है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इतिहास में निफ्टी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। निफ्टी पहली बार 20,000 के स्तर पर पहुंचा है। भारतीय बाजार में निवेशकों के भरोसे को मजबूती मिली है। और मोरक्को के बाद इंडोनेशिया में भूकंप के झटके, रिश्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6 मापी गई। मोरक्को में भूकंप से मौत का आंकड़ा 2400 के पार जा चुका है। इस सब के बीच में आइए सीधे चलते, अब आपको बताते हैं आज हमारे कर्टन रेजर में कौन कौन सी वो खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब बात कर्टन रेजर की हम कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर जो आपके सामने है, पाकिस्तान को कर्ज देने वाला सऊदी अरब भारत का दोस्त। पीएम मोदी के मेहमान क्राउन प्रिंस सलमान। इससे चीन पाकिस्तान कैसे परेशान हुए, तस्वीरें दिखाएंगे आपको। दूसरी खबर, पाकिस्तान का जिगरी दोस्त अब उसका दोस्त नहीं रहा। G20 में एर्दोगान का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, आपको उनका बयान जरूर सुनना चाहिए। तीसरी खबर, पीओके में 7 दिन से लग रहे मोदी मोदी के नारे, क्या पाकिस्तान के बंटवारे का समय आ गया है। चौथी खबर, उद्धव ने दिया बयान, राम भक्तों पर होगा हमला, फिर होगा गोधरा। वो भड़का रहे हैं या डरा रहे हैं। पांचवी खबर, पेट्रोल डीजल की दुकान बंद करवाएंगे गडकरी। 5 एंड एडिटर्स में नितिन गडकरी का चौंकाने वाला बयान हम आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन फिक्र आपकी में शुरुआत आज की एक ऐसी खबर से करेंगे जिसमें भारत के लिए गर्व है तो चीन और पाकिस्तान के लिए परेशानी है। खबर है कि सऊदी अरब और तुर्की से भारत के फेवर में खबर आ रही है। ट्रेडिशनल पार्टनर्स ऑफ पाकिस्तान तुर्की, जो कि पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला रहा है। सऊदी अरब, जो भारत की तरफ टिल्टेड दिख रहा है। ध्यान से देखिए खबर, सऊदी अरब और तुर्की से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान सऊदी अरब के कर्ज तले दबा हुआ है। यूं कहिए कि पाकिस्तान की दाल रोटी सऊदी अरब के दिए पैसे से ही चलती है। पाकिस्तान उसे सबसे अच्छा दोस्त और मददगार मानता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी इसी साल मार्च में सऊदी अरब को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि चीन और सऊदी अरब के रिश्ते इतिहास के सबसे अच्छे दौर में। लेकिन उसी सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले तो दिल्ली में G20 में शामिल हुए, जो कि अक्सर ऐसे आयोजनों से बचते हैं, लेकिन फिर भी वो दिल्ली में थे। सफल आयोजन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। चीन के ओबोर का के जवाब में, यानी वन बेल्ट वन रोड के जवाब में बनाए जा रहे मिडल ईस्ट कॉरिडोर का हिस्सा भी बने और आज प्रधानमंत्री मोदी के राज के मेहमान बने। इससे जुड़ी खबर विस्तार से बताएंगे। इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगान का हृदय परिवर्तन भी पाकिस्तान को बेचैन करने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बने तो उन्हें खुशी होगी। लेकिन पहले खबर सऊदी अरब की, यह रिपोर्ट देखें। भारत और सऊदी अरब के बीच दोस्ती की यह ऐतिहासिक तस्वीर नई दिल्ली की है। राष्ट्रपति भवन में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का रेड कार्पेट वेलकम हुआ। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो भारत के राजकीय मेहमान बने।
और उनके सम्मान से बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों की बेचैनी बढ़ गई। Well done with a great agenda and a lot of announcements that will benefit both country and G20 country and the whole world. So I want to say to India, well done, and we're going to work to create a great future for both countries. मोहम्मद बिन सलमान G20 में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। आज हैदराबाद हाउस में उनकी पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारत और सऊदी के बीच 2019 से शुरू हुए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप काउंसिल को और मजबूत करने की दिशा में बातचीत हुई और दोनों लीडर्स ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किया। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। Future opportunities, there is a huge agenda to be working with. We are working through this council to achieve these accomplishments. सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की भारत की दूसरी राजकीय यात्रा है। इससे पहले वो फरवरी 2019 में पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली आए थे और इस बार भारत सऊदी अरब के बीच सिर्फ कई डील ही नहीं हुई बल्कि सऊदी अरब भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का अहम सदस्य भी बना। अब ये दो बड़ी बातें चीन पाकिस्तान के लिए झटका कैसे है ये भी समझिए। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर असल में चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का जवाब है और जिनपिंग के लिए किसी सदमे से कम नहीं है क्योंकि चीन सऊदी में लगातार पैर पसारने में लगा और जिनपिंग ने मार्च में कहा था कि सऊदी अरब से चीन के रिश्ते इतिहास के सबसे अच्छे मोड़ पर हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो 4 साल पुरानी ये तस्वीर देखनी चाहिए जब इमरान खान पीएम थे और मोहम्मद बिन सलमान इस्लामाबाद की यात्रा पर पहुंचे थे। उस समय कर्ज की चाहत में इमरान खान उनके ड्राइवर तक बन गए थे। आप अंदाजा लगाइए कि वही सलमान G20 में आप पीएम मोदी से मिले तो उन्हें अपना भाई कहा और जवाब में पीएम मोदी ने भी उन्हें भाई कहा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को कर्ज देने वाला सऊदी अरब कैसे अब भारत का दोस्त है और इससे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान परेशान है। भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापारिक संबंध पहले से काफी मजबूत हैं। इसे अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की योजना है। सऊदी अरब भारत में निवेश को बढ़ाने पर तेजी से काम कर रहा है। दोनों देशों में साल का व्यापार $5,000 करोड़ से अधिक है। भारत की 700 से अधिक कंपनियां सऊदी अरब में काम कर रही हैं। इसके अलावा तेल आयात के लिए रुपया रियाल समझौता भी हो सकता है। वहीं भारत सऊदी अरब के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा सहयोग, वॉर एक्सरसाइज, इसके अलावा संयुक्त रूप से हथियारों का उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो वो सऊदी अरब को भारत विरोधी मोर्चे में शामिल कराने और अपने पाले में लाने के लिए वर्षों से लगातार नाकाम कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब से जब तब कर्ज मांगता रहा है। याद होगा आपको किस तरीके से इमरान खान बकायदा गाड़ी चलाकर इन्हीं को लेकर गए थे। पाकिस्तान पर साल 2022 तक कुल कर्ज $126 बिलियन था। इसमें सबसे ज्यादा कर्ज चीन और सऊदी अरब ने दिया था। 2020 में इमरान खान जब पीएम थे तो उन्होंने ओआईसी की मीटिंग में कश्मीर का राग अलापा था जिससे सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खासे नाराज हो गए थे। इसी नाराजगी के कारण सऊदी अरब ने 2018 में पाकिस्तान को दिए $1 बिलियन के ब्याज मुक्त कर्ज को ब्याज समेत मांग लिया था। यहां तक कि ये जो तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, इन्होंने अपना विमान भी इमरान खान से मांग लिया था, ऐसी रिपोर्ट किया जाता है। सोचिए जरा, असल में बात नियत की है। पाकिस्तान की नियत में खोट है ये सऊदी अरब भी जानता है और शायद पाकिस्तान की आवाम भी जानती है जो आज भारत की तारीफों के पुल बांध रही है और अपनी खराब हालत के लिए हुक्मरानों को कोस रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद बिन सलमान गले मिले तो पाकिस्तान को मिर्ची लगी। पाकिस्तान की आवाम ये सोचने पर मजबूर हुई कि आखिर पाकिस्तान का मददगार देश सऊदी अरब भारत के इतने करीब कैसे चला गया, क्यों चला गया। पाकिस्तान की जनता सच जानती है, वो
वो जानती है कि इसके जिम्मेदार खुद वहाँ के हुक्मरान हैं, वहाँ की फौज है जिसकी नीयत में खोट है। पाकिस्तान के लोग बेहतरी चाहते हैं, वो तरक्की चाहते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी से आज़ादी चाहते हैं, इसीलिए वो भारत की तरक्की से खुश हैं और अपनी सरकार से दुखी हैं, जिनकी वजह से उनकी आज ये हालत है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी मुल्क है, वो तबाह और बर्बाद हो ये चाहत किसी भी हिंदुस्तानी की नहीं हो सकती, लेकिन आज अगर उसके अपने उससे दूर हो रहे हैं तो उसे अपने गिरेबा में झांकने की जरूरत है। आप जानते हैं सबसे हैरानी की बात क्या है, सऊदी का कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान को एक समय चीन ने कुछ पैसे दिए क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं थे। दिल्ली में G20 के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के एक बयान ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया, इस बयान ने चीन को भी चिंतित कर दिया होगा। एर्दोगान के बयान में ऐसा क्या था आपको आगे दिखाएंगे। पहले प्रधानमंत्री मोदी और एर्दोगान के मुलाकात की तस्वीरें देखिए। मुलाकात के बाद ही एर्दोगान का भारत के प्रति हृदय परिवर्तन हो गया। रविवार को दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई जिसमें व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर चर्चा हुई। यह मुलाकात G20 सम्मेलन से अलग हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। इसके बाद एर्दोगान ने जो कहा वो पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। यकीनन आप हैरत में पड़ गए होंगे क्योंकि ये बड़ा बयान उस शख्स की ओर से आया है जिसकी सोच भारत विरोधी मानी जाती है, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर का नापाक एजेंडा चलाता है, जिससे खुलकर अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध किया, जो लगातार मुस्लिम कार्ड चलकर खुद को खलीफा साबित करने की कोशिश करता रहता है। उन्हीं एर्दोगान को अचानक ये क्या हुआ कि वो UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत करने लगे। A country like India, being there on the UN Security Council, we would be proud. But as you know, the world is bigger than, larger than five. And when we say the world is larger than five, what we mean is that it's not only about the US, the UK, France, China and Russia. I mean those five countries. We don't only want to have those five countries on the Security Council of the UN. तुर्की के राष्ट्रपति का ये बयान भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन के लिए चौंकाने वाला है। ये आप तब समझेंगे जब एर्दोगान का पाकिस्तान की असेंबली में दिए गए संबोधन का एक हिस्सा सुनेंगे। ये भाषण उस वक्त का है जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। इस वक्त कश्मीर भी हमारे लिए वही है जो आपके लिए था। पाकिस्तान का दुख दर्द हमारा दुख दर्द है, पाकिस्तान की खुशी हमारी खुशी है, उसकी कामयाबी और कामरानी हमारी कामयाबी और कामरानी है। सवाल है कि आखिर चार साल में ऐसा क्या हुआ कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तुर्की में जब विनाशकारी भूकंप आया तो भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया, जबकि पाकिस्तान ने तुर्की को मदद के नाम पर वही बची खुची राहत सामग्री भेजी जो 2022 में एर्दोगान सरकार ने पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों को भेजी थी। जम्मू कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 हटा तो तुर्की ने उसका कड़ा विरोध किया। इसी दौरान पीएम मोदी तुर्की की यात्रा पर जाने वाले थे, बाद में उन्होंने दौरा टाल दिया। इसके जरिए पीएम मोदी ने एर्दोगान को कूटनीतिक संदेश दिया। पिछले कुछ वक्त से सऊदी अरब, UAE समेत खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्ते और बेहतर हुए हैं। नई दिल्ली G20 से रिश्तों को नया आयाम मिला है। सऊदी अरब और भारत के बीच व्यापार की दिशा में कई समझौते हुए हैं। ऊपर से G20 में जिस तरह से भारत की सफलता का गुणगान यूरोप और अमेरिका तक कर रहे हैं, उससे उन्हें यही लगता है कि अब भारत की अनदेखी नहीं कर सकते। वैसे यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि तुर्की भारत विरोधी चीन की गुटबाजी का हिस्सा रहा है। चीन लगातार UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता रहा है और अब वही तुर्की चीन के खिलाफ जाकर भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत कर रहा है। सितंबर 2022 UN के अंदर एर्दोगान ने कश्मीर का राग अलापा। फरवरी 2023 तुर्की के अंदर भूकंप आता है और भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। यह फर्क है हम में और उनमें। सोचिए 5 महीने के अंदर
भारत ने अपनी पूरी ताकत लगा के वहां पे लोगों को बचाने की कोशिश की, तुर्की और सीरिया के जो भूकंप से पीड़ित थे। हमने आपको पहले भी बताया है कि भारत चीन को चौतरफा घेर रहा है। G20 की बैठक से चीन को एक और झटका लगा है। चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में शामिल इटली ने अब इससे अलग होने के संकेत दे दिए हैं। इसी चैनल पर इसी समय पर यह बात हम आपको एक हफ्ते से बता रहे हैं, लेकिन अब इस पे मोहर लगती जा रही है। खबर है कि इटली की पीएम जॉर्जियो मेलोनी ने इस संबंध में चीन के प्रीमियर ली कियांग से शनिवार को दिल्ली में मुलाकात की थी, उन्हें इस बारे में अवगत कराया था। लेकिन आगे की खबर यह है कि इटली अब भारत मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल होना चाहता है। इस सिलसिले में सऊदी क्राउन प्रिंस ने से रणनीतिक वार्ता हो चुकी है। इटली के फैसले पर फ्रांस ने खुशी जताई है। साफ है इटली चीन की चालाकियों को समझ चुका है और उसका यह फैसला जिनपिंग के लिए बड़ी हार जैसा है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि भारत का जियोपॉलिटिकल अलायंस, उसमें फ्रांस एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है जो कि यूरोप में कई देशों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर जर्मनी भी बनता जा रहा है। G20 की मेजबानी से जहां भारत का डंका दुनिया में बजाए, तो वहीं पाकिस्तान में पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में हाहाकार मचा हुआ है। वहां की जनता भारत में शामिल होने के लिए ये देखिए नारे लगा रहे हैं। इसी शो में हमने आपको दिखाया भी था, गिलगित बाल्टिस्तान में हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर चुकी है। पाकिस्तान की फौज के जुल्म के अलावा वो बेतहाशा महंगाई से भी त्रस्त है। अब उनकी उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। पीओके की जनता अपनी आजादी के लिए पीएम मोदी से गुहार लगा रही है। यह आवाज उस गुलाम कश्मीर की है जिसे पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है, लेकिन वहां की जनता उसके साथ नहीं रहना चाहती है। पीओके भारत का अभिन्न अंग है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। वहां के लोग ये भी मांग करते आ रहे हैं कि बस बहुत हो गया है, अब उनको भारत में मिलना है। पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह, गुलाम कश्मीर में मोदी मोदी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में इन दिनों गृह युद्ध जैसे हालात हैं। हर तरफ चीख पुकार मची है। फौज उनकी आवाज को अपने फूटों तले पहले से रौंद रही थी, अब महंगाई और भ्रष्टाचार ने कोहराम मचा दिया है। पीओके की जनता खोलकर यहाँ तक कह चुकी है कि बॉर्डर खोलो, हमें भारत जाना है। असल में पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर की हालत नरक जैसी बना दी है। ऐसे में जब वो भारत के हिस्से वाले जम्मू कश्मीर की खुशहाली देखते हैं, तो उनके अंदर एक बेचैनी होती है कि काश वो दिन जल्दी आए जब उनको हिंदुस्तान का हिस्सा बनने का मौका मिले। गुस्से से उबल रहे लोगों की यही बेताबी इन दिनों पीओके की सड़कों पर दिख रही है और निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी है। पीओके में मोदी मोदी, पाकिस्तान का हाल वाकई में खराब है, यह सबको पता है। और अब पाकिस्तान की जो फौज है उसको भी मात खानी पड़ रही है टीटीपी के हाथों। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के सतारा की, जहां सांप्रदायिक साजिश की लपटें भड़काने की कोशिश हो रही है। ये लपटें कौन भड़का रहा है हम आपको आगे बताएंगे, ग्राउंड जीरो से ताजा हालात की रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि यहां हुआ क्या है। रविवार की रात 8 से 9 बजे के बीच दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प शुरू हुई, पथराव और आगजनी होने लगी। भीड़ ने कुछ घरों को फूंक डाला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से हिंसा बढ़ गई। गौर करने वाली बात यह है कि पोस्ट 15 अगस्त को की गई थी, इसमें पाकिस्तान के समर्थन में बातें लिखी थी। पोस्ट के बाद पिछले 26 दिनों से यहां तनाव का माहौल था। रविवार को एक धार्मिक स्थल पर पथराव हुआ और हिंसा का दौर शुरू हो गया, एक शख्स की मौत हो गई। हालात देखते हुए इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। इंटरनेट बैन है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता राजीव सिंह
सतारा में ग्राउंड जीरो पर है, वहां इस वक्त क्या हालात है उनकी आंखों देखिए। रविवार की हिंसा के बाद सतारा में दहशत का सन्नाटा पसरा है। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, सड़कों और दुकानों में आगजनी के निशान उपद्रव की कहानी बयां कर रहे हैं। हमारे संवाददाता सागर जब हिंसा वाली जगह पर पहुंचे तो उन्हें जली हुई दुकानें और राख हुई बाइकों के अवशेष दिखाई दिए। टवेरा कार है, इस कार पर इतनी बुरी तरह से पथराव हुआ है कि गाड़ी का एक भी शीशा जो है वो आपको सही सलामत नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर इस गाड़ी को आग के हवाले भी करने की कोशिश की गई थी। फिलहाल आप देखिए किस तरह से पथराव के चलते जो फ्रंट मिरर है, फ्रंट का ग्लास है, वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। पूरी की पूरी जो जमीन है लगभग 20 से 30 फीट के दायरे में पूरी काली स्याह हो गई है। दरअसल यहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी थी जिसको जलाया गया था और इसी वजह से यहाँ पर ये तस्वीर दिखाई दे रही है। तोड़फोड़ किया और इधर उधर उधर भी जल फूर किया। अच्छा, उसमें दो आदमी गया। सतारा के हिंसा वाले गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। हमारे संवाददाता गांव में उस जगह पर भी पहुंचे जहां से हिंसा की शुरुआत हुई। यहां चारों तरफ हिंसा आगजनी के सबूत बिखरे पड़े थे। छोटी सी शॉप थी, इस शॉप में कुछ गाड़ियां खड़ी थी और कुछ सामान था, उसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। एक मोटरसाइकिल थी, देखिए ये जली हुई आपको नजर आएगी, और बताया जा रहा है कि एक मोबाइल शॉप थी, इस शॉप को भी आग के हवाले कर दिया गया। दुकान मालिक घटना के बाद यहाँ से निकल भागने में कामयाब रहे, इस वजह से उनकी जान बच गई। आप देखिए ये वो मकान था, इस मकान पर भी पथराव किया गया और यहाँ पर इस मकान के बाहर दो और गाड़ियाँ, दो मोटरसाइकिलें यहाँ पर पार्क की गई थी। इन दोनों ही मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। पूरी मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो कितनी हिंसक थी। फिलहाल इलाके में धारा 144 लागू है, सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े हैं। सवाल यही है कि आखिर बार बार महाराष्ट्र सांप्रदायिक हिंसा की आग में क्यों सुलग रहा है। हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र को बार बार सुलगाने की साजिश हो रही है, क्योंकि हाल के दिनों में राज्य में एक के बाद एक हिंसा की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 8 जून को महाराष्ट्र के बीड में औरंगजेब को लेकर कई की गई पोस्ट पर हिंसा भड़की। 6 जून को फिर एक बार कोल्हापुर और औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट पर बवाल हुआ। 4 जून को अहमदनगर में जुलूस के दौरान औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए। 14 मई को ही अहमदनगर में संभाजी महाराज की जयंती के दिन जुलूस पर पथराव हुआ। 31 मार्च को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान कई हिस्सों में हिंसा भड़की। महाराष्ट्र में लगातार हर धार्मिक आयोजन पर हो रही हिंसा की घटनाएं किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। देयर इज अ मेथड इन मैडनेस, यानी इसमें कोई ना कोई साजिश दिखती है। खबर अगले साल की शुरुआत में अयोध्या में होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद की 2 दिन की बड़ी बैठक अयोध्या में हुई, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के रोड मैप पर लंबी चर्चा हुई है। पूरा जोर इस बात पर है कि श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से आम लोगों को जोड़ा जाए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के शुरुआती दिनों में देश भर से 5 करोड़ लोगों को अयोध्या लाने की तैयारी है। इसके लिए देश के 5 लाख गांव तक पहुंचने का लक्ष्य है। वीएचपी 5 लाख गांव में अपने कार्यकर्ता भी तैयार करेगी, जिससे संगठन का आधार मजबूत हो। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए हर राज्य में जिला और ब्लॉक लेवल पर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। वीएचपी की तैयारियां उसी तरह का अभियान छेड़ने की है जिसे शिला पूजन और कार सेवा के वक्त चलाया गया था। इसके अलावा देश भर में अलग अलग 150 पंथ संप्रदाय और जातियों के 2000 संत धर्माचार्यों से संपर्क साधा जाएगा। इन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए न्योते भेजे जाएंगे। बजरंग दल प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही 30 सितंबर से 15 अक्टूबर 2023 तक 2000 से ज्यादा शौर्य यात्रा निकालेगी। शौर्य यात्रा देश के 1 लाख से ज्यादा गांव तक पहुंचेगी। प्राण प्रतिष्ठा किस दिन होगी यह अभी क्लियर नहीं है, लेकिन संभावना है कि जनवरी में कार्यक्रम हो सकता है। कार्यक्रम कभी भी हो, लेकिन इसे भव्य बनाने की पूरी तैयारी है।
जिस वक्त आरएसएस और वीएचपी अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में लगे हैं, उसी समय महाराष्ट्र से एक ऐसा राजनीतिक बयान सामने आया जिसने हंगामा मचा दिया है। सोचिए जरा, शिवसेना उद्धव के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने जलगांव में एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर गोधरा जैसा कांड हो सकता है। उद्धव ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए सरकार बसों और ट्रकों में बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित कर सकती है, लेकिन जब ये लोग वापस लौटेंगे तो गोधरा जैसी घटना हो सकती है। इस बयान का क्या मतलब है, आपको आगे बताएंगे। पहले आप उद्धव ठाकरे के मुंह से उनकी बात सुनिए। राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यातनं यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। करू शकतात, हल्ला होऊ शकतो, कोणत्या तरी वस्तीमध्ये बस जाळतील, दगडफेक करतील, माणसं मारतील, पुन्हा देश पेटेल, पुन्हा तेच ते पुन्हा घरांच्या होळ्या पेटतील आणि त्या पेटणाऱ्या घरांच्या होळीवरती यांच्या राजकीय पोळ्या ते भासतील। अगर इनके पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है तो ये सीधे सीधे सरकार से शेयर करें। सार्वजनिक मन से शेयर करने का अर्थ क्या है? उद्धव ठाकरे की पार्टी बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी रह चुकी है और अयोध्या के आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभा चुकी है। हालांकि अब दोनों के रास्ते अलग हैं। उद्धव ठाकरे के मराठी में दिए गए बयान से तीन बड़े दावे किए गए हैं। पहला दावा, बीजेपी गोधरा जैसे हालात पैदा कर सकती है। दूसरा दावा, राम मंदिर उद्घाटन के बाद लोगों की वापसी के दौरान गोधरा जैसी घटना हो सकती है। तीसरा दावा, चुनावों के वक्त इस घटना पर राजनीति होगी। सवाल यह है कि आखिर उद्धव के ऐसे दावे, ऐसे बयान का क्या मतलब है? उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रम को गोधरा से क्यों जोड़ा? उद्धव ठाकरे के इस बड़े दावे का आधार क्या है? क्या उद्धव ठाकरे लोगों को भड़काना चाहते हैं? सोचने वाली बात। राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यातनं यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। उद्धव ठाकरे जी जब से सत्ता गई तब से अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। ठाकरे जी के दिमाग में इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इसी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने से उनकी बुद्धि भी इस प्रकार से विभेद हो गई है। राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए बाला साहब ठाकरे इतने सक्रिय थे, इतना आशीर्वाद दिया, तो मैं एक ही बात कहूँगा, ये पूरा गठबंधन जो मोदी के खिलाफ है वो वोट के लिए किसी सीमा तक जा सकता। ये सारी चीज़ें खौफ पैदा करती हैं और इस खौफ को खत्म करने के लिए आवश्यक है जो विश्वास का एक माहौल बने भारतवर्ष में, इंडिया में, उसमें मैं सरकार की कमी देख रहा हूँ। दिमाग से कैसी बातें निकलती हैं? क्या उनको देश में वापस फिर से ऐसे ही दंगल वगैरह करानी है? सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे किसी रणनीति के तहत ऐसी बातें कर रहे हैं या उन्होंने ऐसे ही गोधरा कांड का जिक्र कर दिया? जिस तरह इंडिया गठबंधन के साथियों ने उद्धव की बातों को आगे बढ़ाया उससे ऐसा लग रहा है जैसे यह बयान काफी सोच समझ कर दिया गया है। पूरी दुनिया को अलर्ट में करने वाली खबर है। यह देख रहे हैं आप, ट्रेन से रवाना हो चुके हैं। ये उस खबर की हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। अमेरिका में खलबली है। बात उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और उनकी रहस्यमय ट्रेन की है जिसके जरिए वो रूस की यात्रा कर रहे हैं। वो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से रूस के व्लादिवोस्तोक के लिए इसी ट्रेन से निकले हैं। दोनों शहरों के बीच की दूरी 685 किलोमीटर है और यह यात्रा पूरी करने में 20 घंटे लगते हैं। कुछ दिनों पहले किम और पुतिन के मिलने की जब खबर आई थी तब अमेरिका काफी नाराज भी हुआ। हालांकि उत्तर कोरिया पर कोई असर नहीं हुआ, उसने अपने और बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए, उसने और अपनी न्यूक्लियर ड्रिल तेज कर दी। यूक्रेन युद्ध के बीच किम का यह रूस दौरा क्यों हो रहा है, इसके मायने क्या है,
आपको जरूर देखना चाहिए। चार साल बाद किम जोंग उनके बख्तरबंद ट्रेन उत्तर कोरिया से किसी दूसरे देश की यात्रा पर निकली। वह रूस के व्लादिवोस्तोक शहर के लिए इसी में बैठकर रवाना हुए। इसी शहर में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक है, जिसके लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद हैं। इसी जगह दोनों की मुलाकात होने वाली है। किम जोंग उनके आने से ठीक पहले व्लादिवोस्तोक रेलवे स्टेशन पर भारी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी है। युद्ध इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि वे नेटो वर्सेस रूस होता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ती जा रही है, जबकि रूस को 1.5 साल से जारी जंग और बैन की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अटकलें हैं कि उत्तर कोरिया से रूस हथियार, तोप के गोले और एंटी टैंक मिसाइल चाहता है। बदले में नॉर्थ कोरिया रूस से सैटेलाइट और न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी की मांग कर सकता है। इसके अलावा अनाज संकट से निपटने में पुतिन से भी मांग कर सकता है। यानी दोनों इस दोस्ती में अपना अपना फायदा देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं मुद्दों पर पुतिन और किम जोंग के बीच 13 सितंबर को चर्चा होगी, जिससे सबसे ज्यादा खफा अमेरिका है। किम के दौरे से पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने चेतावनी दी। यूक्रेन के खिलाफ रूस को सैन्य मदद देना उत्तर कोरिया की बहुत बड़ी गलती होगी। मैं ये मानती हूँ कि रूस और उत्तर कोरिया दोनों के लिए ये उन्हें और भी अलग थलग कर देने वाला कदम होगा। ये पहली बार नहीं है जब किम जोंग उन ने अमेरिका की धमकी को नजरअंदाज किया हो। इससे पहले भी कई बार उसे हथियार परीक्षण को लेकर चेतावनी दी गई, लेकिन हर बार उत्तर कोरिया ने अमेरिका को ठेंगा दिखाया है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष स्पेशल प्लेन से चलते हैं, लेकिन किम ट्रेन से ही विदेश यात्रा करना क्यों पसंद करते हैं? ऐसा कहा जाता है कि वो हवाई यात्रा से डरते हैं। ऐसे में वो ज्यादातर यात्राएं ट्रेन से ही करते हैं। हरे रंग की इस ट्रेन को 1949 में किम के दादा किम इल संग को स्टालिन ने गिफ्ट किया था। ये कई डब्बों वाली इंटरकनेक्टेड ट्रेन है। साल 2018 में वो इसी बख्तरबंद ट्रेन में सवार होकर बीजिंग पहुंचे थे और साल 2019 में व्लादिवोस्तोक भी इसी से गए थे। इस बार फिर वो अपनी स्पेशल ट्रेन से व्लादिवोस्तोक की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसे लेकर दावा किया जाता है कि किम की सीक्रेट ट्रेन पूरी तरह बुलेट प्रूफ है, जिसमें करीब 20 हथियारबंद बोगियां हैं। ट्रेन में अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हैं। करीब 100 स्पेशल सिक्योरिटी कमांडो तैनात रहते हैं। अंदर कॉन्फ्रेंस रूम और सैटेलाइट फोन भी है। ट्रेन की एक बोगी में तानाशाह किम का दफ्तर भी मौजूद है। किम की यह ट्रेन 37 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और इसके जरिए मिसाइल हमला भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि जो किम जोंग उन किसी यात्रा पर निकलते हैं तो उनकी ट्रेन के साथ 3 और ट्रेनें चलती हैं, जिनमें पहली रेलवे लाइन को चेक करते हुए आगे बढ़ती है, दूसरी में सैकड़ों सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं और तीसरी ट्रेन में नॉर्थ कोरिया के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन तानाशाह किम जिस ट्रेन में सवार रहते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उनके करीबी रहते हैं। दुनिया को खौफ में डालने वाला इंसान हवाई यात्रा से खौफ में। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि उत्तर कोरिया ने बीते साल में रूस को रॉकेट और मिसाइल की सप्लाई की है, जिनका इस्तेमाल वैगनर ग्रुप ने किया था। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी बीते महीने उत्तर कोरिया का दौरा किया था। अब एक अलग खबर, अब वो खबर जिसे सुनकर देखकर आप चौंक जाएंगे। आज इनके साथ, गडकरी जी के साथ हमारा एक शो था इसी स्टूडियो में, यहीं पर। इस बयान को, जो बयान हम आपको दिखा रहे हैं, एक वरिष्ठ नेता, एक केंद्रीय मंत्री का बेहद बोल्ड बयान कहा जा सकता है। आज सुबह सड़क परिवहन मंत्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी एक विशेष शो के लिए हमारे साथ यहीं मौजूद थे। स्पेशल शो नितिन गडकरी एंड 5 एडिटर्स में मैंने उनसे पूछा कि क्या पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बंद हो जाएंगी, बल्कि मेरा सवाल था कि क्या उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। मैंने उनसे पूछा कि पेट्रोल डीजल की लॉबी काफी मजबूत मानी जाती है, क्या आप उनकी दुकानदारी बंद कर देंगे?
इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि वो पेट्रोल और डीजल की पूरी दुकान ही बंद करना चाहते हैं। गडकरी जी ने कहा कि ये उनकी लाइफ का मिशन है। एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर यह उनका बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने इससे जुड़ी कई और बड़ी बातें भी कही जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। ये जो लॉबी है पेट्रोल और डीजल की, काफी मजबूत लॉबी है। इनकी दुकानदारी बंद कर रहे हैं आप, तो इनको नुकसान, आपको ये परेशान नहीं कर रहे हैं ये लोग? मुझे तो ये दुकान पूरा बंद करना है। दैट इज मेरे लाइफ का मिशन है। मैं ये बोल चुका हूँ कि मैं लाइफ में जिस दिन पेट्रोल डीजल के पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, पूरा इनका बैंड बाजा बच जाएगा, वो देश के इतिहास का सुखी अच्छा दिन होगा। प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और लोग भी खुश होंगे। और 18 लाख करोड़, एक मिनट, ये 18 लाख करोड़ देश के इकोनॉमी में जाएंगे। किसान समृद्ध संपन्न होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, राज्य सरकार भारत सरकार को GST मिलेगा, देश की ग्रोथ बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देश आगे। आप इस बात के हक में है कि सरकार की भी कंपनियां पेट्रोल की बंद हो जाए? नहीं, स्पष्टता बोलिए। सरकार की भी कंपनियां पेट्रोल जो बेचती हैं, अभी भी उस पर बहुत बड़ा वर्ग डिपेंडेंट है और आप अच्छी तरह जानते हैं, वो बंद हो जाए। आपको मालूम है सरकारी कंपनियां पेट्रोल इंपोर्ट करती है? हाँ, वो तो जानते हैं। क्या इंपोर्ट बंद नहीं होना चाहिए? बायो CNG, बायो LNG के पंप होंगे, इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम उसको बेचेगी, इथेनॉल के पंप होंगे, इथेनॉल बेचेगी, मिथेनॉल के पंप होंगे, मिथेनॉल बेचेंगी। क्या ये ट्रांजिशन हो पाएगा, क्योंकि इसमें लॉबीज इन्वॉल्व है, इसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है? आप सीधे सीधे, बड़ी बात आपने कही है, आपने सीधे सीधे कहा कि आपका सपना है कि इस देश से तेल का बिकाओ गाड़ियां चलाने के लिए बंद हो। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। पहली बात तो आपका बात बिल्कुल सही है, बहुत कठिन है, बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, पर आपको एक बात बताता हूं जी, मेरे 45 साल के राजनीतिक जीवन में जी जो जो मैंने कहा वो हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है, उन्होंने अपने बयान में ये सब समझा दिया। नितिन गडकरी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल बंद हुआ तो वो देश का सबसे अच्छा दिन होगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, किसान समृद्ध संपन्न होंगे, 18 लाख करोड़ रुपए देश की इकोनॉमी में आ जाएंगे, पेट्रोल पंप की जगह बायो CNG, बायो LNG पंप होंगे, एथेनॉल होगा, तेल बेचने वाली कंपनियां एथेनॉल मेथेनॉल बेचेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि IIT इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्टअप रिसर्च कर रहे हैं, भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन हमारे लिए ईंधन होगा, खासतौर से ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है और विश्व के साथ दौड़ने के लिए जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि ये बड़ा चैलेंज है, लेकिन जो कहा है वो हुआ है। नितिन गडकरी ने इसके साथ ही कई राजनीतिक मुद्दों पर भी बात की। नितिन गडकरी एंड 5 एडिटर्स के दौरान लिए एक बड़े इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाते हैं। मैं आपसे कुछ रैपिड फायर राउंड पूछूंगा वहां पर सर, और आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसका जवाब जरूर दें क्योंकि आप बेबाकी से राय रखते। रैपिड फायर का पहला सवाल यहां पर प्ले ऑन करिए, जरा दिखाइए। हमारा पहला सवाल है, विकसित देश की कल्पना क्या है? विकसित देश की कल्पना क्या है, धर्मस्थल या आधारभूत ढांचा? देखिए, विकसित देश के साथ धर्मस्थान को जोड़ना गलत है। जब विकसित देश की बात कर रहे हो तो देश का विकास जो होता है वो आर्थिक प्रगति और विकास के मापदंडों पे होता है। अगला सवाल जरा प्ले करिए हमारा अगला सवाल, और एक चुनना है सर, बेहतर प्रधानमंत्री कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी या नरेंद्र मोदी जी? इसका जवाब यह है कि दोनों भी बेहतरीन प्रधानमंत्री है और दोनों का भी मैं आदर और सम्मान करता हूं और दोनों हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। ठीक, अगला सवाल प्ले करिए, हमारा अगला सवाल क्या है, बीजेपी का बेहतर साथी कौन, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, महबूबा मुफ्ती, उद्धव ठाकरे? ये कभी ना कभी साथ रह चुके हैं। देखो, आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ कल बस अपना है। हम गुजरे हुए कल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में होते हैं। अब ये क्या है, ये यादें हैं। इन गुजरे हुए कल में कौन सा ज्यादा अपना है? अभी जो NDA के साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं वही हमारे बेहतर साथी है। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा कौन, बाला साहब ठाकरे जी
या योगी आदित्यनाथ जी? दोनों भी है, और हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है, और हिंदू यह जीवन पद्धति है, इसका संबंध धर्म से नहीं है। हमारा अगला सवाल क्या है, बेहतर नेता कौन, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या असदुद्दीन ओवैसी? नहीं, हमारे लिए तो नरेंद्र मोदी ही सबसे बेहतर नेता। इनमें से कौन है सर? इनमें से मुझे कोई चॉइस करने का मुझे कोई जरूरत भी लगती नहीं और कोई आवश्यकता भी नहीं। ठीक है, अब सर कुछ ऐसे सवाल जो हमारे मन में है और ये पॉलिटिकल सवाल है। बड़ी चर्चा चल रही है आजकल, और वो चर्चा चल रही है इंडिया शब्द, अचानक इस शब्द को लेकर आपत्ति क्यों? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, भारत ही हमारा पुराना इतिहास, संस्कृति और विरासत से जुड़ा हुआ शब्द है। नितिन जी, तीन लोगों का नाम आता है, नितिन गडकरी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में। क्या आप खुद को भारत के भविष्य में प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं? आप कहेंगे नहीं देखता। मैं जयप्रकाश जी के आह्वान पर जब स्टूडेंट था तब इमरजेंसी के खिलाफ मैं राजनीति में आया हूँ। माय कन्विक्शन जो है वो मेरा लाइफ कन्विक्शन है, वो मेरी आइडियोलॉजी है। फिर भी आपको लगता है इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं घोड़े घास नहीं खा रहे हैं? मैं एक बार वो बयान सुनाना चाहूंगा, स्टूडियो में जरा वॉल्यूम अप करेगा, सुनाइए वो बयान गडकरी जी का। हमारे एक शायर बहुत बड़ी शायरी कहते थे, वो मजाक में कह रहा हूँ, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, वो कहते थे इधर गधे उधर गधे सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। अभी तक जो आपकी राजनीति रही है वो हम सब देखते रहे, लेकिन अब एक व्यक्तिगत टिप्पणी की राजनीति होने लग गई है, क्या आप भी उसमें फंस गए? नहीं नहीं जी, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने एक शायर की बात बताई और आगे ये कहा कि मैं तो शायर आपको याद क्यों आया? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी को गधा नहीं बोल रहा हूँ, ये भी खुलासा किया। अब समझने वाले को इशारा काफी होता है। अभी उद्धव ठाकरे जी, उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जो राम भक्त हैं उनके साथ कुछ हो सकता है, गोधरा जैसी घटना हो सकती है, ये उद्धव ठाकरे जी ने कहा है। वही बता पाएंगे, कोई उनके पास जानकारी होगी मुझे पता नहीं, लेकिन ये आशंका है या वार्निंग है? संविधान से इंडिया शब्द हटाया जाना चाहिए, यस नो या पास? ये तो पार्लियामेंट तय करेगी जो कुछ करना है, मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। अजीत पवार ईमानदार नेता है? मुझे ऐसा लगता है कि सब अपने अपने लेवल पर नेता सही है, किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना मैं अपने राजनीतिक जीवन में टालते रहता हूं। अगला सवाल, बीजेपी में परिवारवादी नेता नहीं है? देखिए, किसी का बेटा होना या बेटी होना गुनाह नहीं है, पर बेटा और बेटी को टिकट देना ये उसके पिता या माता जब आग्रह करती तो गलत है। अगला सवाल जरा यहां पर प्ले ऑन करिए, एक देश एक चुनाव 2024 से लागू होना चाहिए, यस या नो सर? ये तो सब उच्च स्तर पर पार्लियामेंट और हमारी सरकार में तय होगा। उद्धव ठाकरे का एनडीए गठबंधन में स्वागत है? अभी तो वो एनडीए के साथ नहीं है। ओके, अगर वो आना चाहेंगे तो? अभी तक तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। ठीक है सर, इसमें तो हाँ या ना में कुछ बताइए, अच्छी सड़कों के लिए ज्यादा टोल टैक्स देना होगा? नहीं, टोल टैक्स का फॉर्मूला तय है। वो वैसे ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है गडकरी जी, नितिन गडकरी नागपुर से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं बहुत अच्छे वोटों से चुन के आया हूँ, अगले बार अगर पार्टी टिकट देती है तो पिछला भी रिकॉर्ड तोड़ के अच्छे वोटों से चुन के आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच गडकरी। ये पूरा इंटरव्यू हम आपको एक बार फिर दिखाएंगे, आप इसको जरूर देखिएगा, बहुत सारे खुलासे हैं, लेकिन किस तरीके से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं और जो हमारी गाड़ियों को लेकर सोच है उसमें कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है, इसके लिए इंटरव्यू आपको देखना जरूरी है। आइए देखते हैं टॉप नाइन खबरें। पहली खबर, आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने राबड़ी देवी के साथ बाबा बासुकीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, बोले कामना की है कि देश को बदलिए और इंडिया गठबंधन को विजय बनाइए।
उत्तर प्रदेश में बारिश से 24 घंटे में 19 लोगों की मौत। लखनऊ में 18 घंटे लगातार हुई बारिश। शहर के पॉश इलाकों में 2 से 3 फीट तक भरा पानी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हाई राइज सोसाइटी में फिर फंसी लिफ्ट। ग्रेनो वेस्ट में लिफ्ट में 15 मिनट तक फंसे रहे 3 लोग। लाइट जाने की पर पावर बैकअप की सुविधा नहीं थी। नोएडा में ही रेनू सिन्हा हत्याकांड में पति को किया गया गिरफ्तार। कोठी में स्टोर रूम में ही छिपा हुआ था प्रॉपर्टी विवाद का है मामला। जयपुर में एक बच्चे की बेरहमी से हुई मारपीट। वीडियो आया सामने, 2 लोग एक नाबालिग को केबल की तार से पीटते दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत कोर्ट परिसर में हुई अंधाधुंध फायरिंग। वकीलों के 2 गुटों में हुआ विवाद। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। महाराष्ट्र के सतारा में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव जारी। इंटरनेट बंद, सुरक्षा बल तैनात। 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। आंध्र प्रदेश के कई शहरों में TDP कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का किया विरोध। कर्नाटक के बेंगलुरु में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बंद का दिखा असर। स्कूल भी रहे बंद। एसोसिएशन ने ड्राइवरों को आर्थिक सहायता देने समेत 30 मांगे रखी।